मेरे प्यारे बच्चों आई होप आप लोग की तैयारी बहुत अच्छी चल रही है और आप लोगों ने पूरा विज्ञान अच्छे से कर लिया ये विज्ञान का आखिरी चैप्टर है जिसके बाद आपका पूरा विज्ञान भी कंप्लीट हो जाएगा और आज में आपका एस भी पूरा कंप्लीट हो जाएगा है ना तो मतलब आप लोगों की पूरी तैयारी हो गई जो मार्च मिशन के लिए हम लोग निकले थे वो एस एस टी मैथ साइंस जो भी है हम लोगों ने सब पूरी रणनीति बना ली हम लोग ने पूरे अपने झंडे गाड़ लिए है, है ना बस क्या आप एग्जाम डे आएगा हमको दुश्मन को हराना है भैया गणित का है गणित के दुश्मन को देख लेता हूँ कितना क्या आता है करके दिखाएँ है ना बस आप लोग पूरे तैयार हो और कुछ भी ज़्यादा नहीं बचा आपके पूरे कोर्स कंप्लीट हो गए हैं आप लोगों ने एक महीने में पूरा कोर्स कंप्लीट कर लिया पूरे चैप्टर्स को अच्छे से पढ़ लिया विथ ब्लू प्रिंट ब्लू प्रिंट के अकॉर्डिंग पढ़ा तो भैया ऐसा ऐसा तैयारी नहीं किया आपने बहुत अच्छी तैयारी की और अपने ऊपर कॉन्फिडेंट हो जाओ कि भैया जो भी क्वेश्चन आ जाए मैं उसका आंसर दे के रहूँगा है ना तो भैया मैं योद्धा हूँ हमारे हम सब क्या है योद्धा है और योद्धा क्या है डरते नहीं हैं हम तो मैदान में बस देख रहे हैं कब आ जाए बस पेपर चालू तो हो तीन मार्च से दो मार्च से फिर मैं दिखाता हूँ क्या मैं कर सकता हूँ है ना मेरे सभी बच्चे यही हैं तो भैया अब तो लग जाओ हमें अपना नाम क्या है मेरिट लिस्ट में ला के रखना है, है ना उसकी तैयारी हम कर रहे हैं ठीक है थीके? चलो तो आज हमारे आखिरी चैप्टर में आ जाते हैं कौन सा भैया हमारा आखिरी चैप्टर अध्याय बारह विद्युत के चुंबकीय प्रभाव विद्युत हम पढ़ चुके थे तो विद्युत के कारण चुंबकीय प्रभाव ठीक है विद्युत अगर जनरेट हो रही है कहीं पे तो वहां पे चुंबकीय प्रभाव कैसे होगा है ना जैसे क्लास टेन में पढ़ रहे हो क्लास में तो क्लास टेन का पढ़ोगे है ना उसी प्रकार विद्युत के ऐसे धारा बह रही है तो वहां पे आसपास कुछ चुंबकीय प्रभाव होगा है ना तो हम उसी को बहने जैसे नदी बहती है तो आसपास का क्षेत्र थोड़ा सा क्या गीला होता है उसी प्रकार विद्युत बहेगा तो आसपास कुछ ना कुछ क्या करेगा वो प्रभाव डालेगा तो हमें क्या पढ़ना है उसके कारण क्या चुंबकीय प्रभाव होता है इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे ठीक है चलो आ जाते हैं देखो ये क्या दिख रहा है बार मैग्नेट है ना चुंबक दिख रहा है ठीक है तो सबसे पहले क्या है चुंबक कोई भी एक बार होता है लोहे का होता है ठीक ये क्या होता है भाई एक साइड इसका उत्तरी ध्रुव होता है दूसरे साइड दक्षिणी ध्रुव हमेशा कोई भी चुंबक हो अगर इसको आप दो भागों में बांट दोगे ऐसा तो इसका भी एक नॉर्थ पोल हो जाएगा साउथ पोल इसका नॉर्थ पोल साउथ पोल इसको और बांट दो तो ये नॉर्थ ये साउथ जो चुंबक को जितने भी छोटे भागों में क्यों ना बांटो तो, उसका एक उत्तरी ध्रुव होगा और दूसरा दक्षिणी ध्रुव होगा ठीक है ये क्या करेगा एक अपनी चुंबकीय आसपास क्या चुंबकीय क्षेत्र डेवलप कर लेगा है ना और क्या है भैया ये क्या है निकिल लोहा टाइप की चीजों को आकर्षित करेगा तो ये सब क्या है चुंबक के गुण है ठीक तो चुंबक क्या है भाई एक धातु है और क्या है वो चुंबकीय चुंबकीय क्या है प्रभाव प्रदर्शित करता है ठीक है तो प्रश्न आएगा चुंबक के तीन प्रमुख गुण लिखिए तो क्या लिखोगे मेरे बच्चों चुंबक लोहे निकिल जैसे कुछ अन्य पदार्थों को आकर्षित करता है घुमान घूमने के लिए स्वतंत्र चुंबक सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है एक चुंबक को छोटे छोटे भागों में विभाजित किया जाए तो वह प्रत्येक भाग को स्वयं एक पूर्ण चुंबक ले लेता है है ना देखो इसको अगर फ्रीली छोड़ दे ऐसे तो ये हमेशा क्या नॉर्थ साउथ में हो जाएगा आपने इसको छोड़ा ठीक है तो फिर ये नॉर्थ साउथ में आप ऐसे लाके रखें फिर ये नॉर्थ साउथ में तो हमेशा क्या होता है इसका उत्तरी ध्रुव उत्तर की ओर दक्षिणी ध्रुव दक्षिण की ओर हमेशा क्या फ्रीली छोड़ने पर ये उत्तर और दक्षिण की ओर ही करता है तो ऐसा समझ लो भैया कि ये हमारा चुंबक है ठीक है तो इसके गुण में क्या लिखोगे चुंबक लोहे और निकिल जैसे कुछ आदि पदार्थों को आकर्षित करता है घूमने पर सुंदर छोड़ने पर चुंबक उत्तर और दक्षिण दिशा की ओर है हमेशा रहता है और अगर इसको छोटे छोटे भागों में बांटा तो प्रत्येक छोटा भाग भी एक संपूर्ण चुंबक होता है तो चुंबक के गुण आएंगे तो आपको इस तरीके से आंसर लिखना होगा ठीक चलो आगे आ जाओ अब ये देखो ये चुंबक है ठीक आपका ये चुंबक बना भाई अब क्या होती है चुंबक है ठीक है जैसे मैं हूं तो मेरे आसपास का एक क्षेत्र होगा ठीक है जहां तक मेरी आवाज जाएगी ये हो गया होगा मेरा प्रभाव कि मेरी आवाज कितने दूर तक जाती है आप बैठोगे आपका आवाज होगा जो क्या है आपके रूम तक घर तक जाएगा लेकिन बाहर नहीं जाएगा ठीक आपके मम्मी खाना बना रही है खाने का सुगंध एक क्षेत्र तक जाएगा तो ये सब क्या है जब चूजे वस्तु है तो उसके आसपास और उसका प्रभाव होता है तो उसी प्रकार क्या चुंबक है चुंबक के आसपास चुंबक क्षेत्र होगा ठीक तो इसी को बोलते हैं चुंबकीय बल रेखाएं जो चुंबक के आसपास बनती हैं ठीक तो आपको ये देखो चुंबक के चारों ओर की चार्षे जिसमें निश्चित दिशा में ठहरती है उसे क्या कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र अगर कोई कम्पोस्ट रख दो ठीक कम्पोस्ट क्या होता है भाई जो हमेशा एक नॉर्थ साउथ नॉर्थ का आ, क्या उत्तरी दिशा दिखाती है तो आप रख दो तो ये हमेशा क्या ऐसे दिखेगी ऐसे दिखेगी तो इसी को हम क्या बोलते हैं जब चुंबक आप चुंबकीय को रखते हो तो एक वक्र बनाती है वो तो यही वक्र क्या होती है चुंबकीय बल रेखाएं बनाती है और ये पूरा क्षेत्र क्या है चुंबक के आसपास का चुंबकीय क्षेत्र ठीक है तो आपको पूछा जाए चुंबकीय क्षेत्र क्या है तो आप क्या बोलेंगे चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें चुंबकीय सुई पर बल लगता है और वह घूमकर एक निश्चित दिशा में आ जाती है उसे हम क्या कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र अब इस चुंबकीय क्षेत्र में कुछ रेखाएं डेवलप होंगी है ना जैसे एक ये चुंबक है तो इसके पास ऐसे 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 एक वक्र बनेगा तो इसी वक्र को हम क्या कहते हैं चुंबकीय बल रेखाएं तो चुंबकीय बल रेखाओं की परिभाषा पढ़ लो भाई जब इसको चुंबक के उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर ले जाए तो एक वक्रपथ बनता है और यह ही चुंबकीय बल रेखाएं कहलाता है ठीक तो भैया चुंबक के आसपास क्या बना चुंबकीय बल रेखाएं। अभी चुंबकीय बल रेखाएं कैसे दिख रही है भाई आपको चलो फिर से अच्छे से देखो इसको यह हमारा आप बार मैग्नेट बना दो ठीक अब ये क्या दिख रही है चुंबक के नॉर्थ से निकल रही है साउथ पे जा रही है नॉर्थ से निकल रही है साउथ पे जा रही है नॉर्थ से निकल रही है साउथ पे जा रही है ठीक है तो पहला गुण क्या हो गए चुंबकीय बल रेखाएं बाहर में चुंबक के बाहर में उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव की ओर जाती है ठीक अब अंदर में क्या होगा ये ऐसे आएंगी ये ऐसे आई ये ऐसे आई बाहर में उत्तर से दक्षिण अंदर में दक्षिण से उत्तर तो क्या कहोगे दूसरा पॉइंट चुंबकीय बल रेखाएं अंदर की ओर दक्षिण ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की और आती हैं, ठीक अब ये देखो ये ऐसा निकल रहा है अंदर घुस रहा है तो ये क्या हुआ पूरा क्रॉस कर्व है मतलब क्या है? चुंबकीय बल रेखाएं एक बंद परिपथ होती हैं, बंद, बंद वक्र होती हैं, ठीक अब देखो ये एक ऐसा गया ये एक ऐसा गया यहाँ पे किसी भी पॉइंट पे आपको दिख रहा है कि चुंबकीयरेखा एक दूसरे को काट रही हैं नहीं तो क्या लिखोगे चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं तो ये हो गई चुंबकीय बल रेखाओं की विशेषता आपको आएगा दोस्त तीन मार्क्स क्वेश्चन में चुंबकीय बल रेखाओं की विशेषता लिखो तो आप क्या लिखोगे पहले इसकी परिभाषा बताओगे कि चुंबकीय बल रेखाएं क्या है चुंबक के आसपास का वह क्षेत्र जहां पर चुंबकीय बल लगता है और चुंबकीय सुई को रखने पर एक वक्र पथ बनता है उसे ही हम क्या कहते हैं चुंबकीय बल रेखाएं कहते हैं अब विशेषताओं पर आ जाओ तो अगर क्वेश्चन आता है चुंबकीय बल रेखाओं के गुण लिखिए विशेषता लिखिए तो आप क्या लिखोगे भाई इन बल रेखाओं के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बतलाती है पहले चुंबकीय बल रेखाओं के बारे में बताओगे फिर है उसके बाद बताओगे निम्न गुण होते हैं बाह्य मार्ग पर यह चुंबक के उत्तरी ध्रुव से प्रारंभ होकर दक्षिणी ध्रुव की ओर जाते हैं अब यहाँ पे एक डायग्राम बना लेते हैं बाह्य मार्ग पर ये उत्तरी ध्रुव से होकर दक्षिणी ध्रुव की ओर जाते हैं ठीक ये चुंबक भीतर दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर आते हैं तो क्या बना दोगे भाई संपूर्णता ये बंद वक्र हैं भाई देखो ऐसे जा रहे हैं ऐसे अंदर से ऐसे जा रहे हैं अंदर से तो ये क्या हुआ बंद वक्र हुए ठीक है ध्रुवों पर चुंबकीय बल रेखाएं पास पास होती है जैसे यह पता चलता है कि ध्रुवों पर चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता अधिक तथा अन्य भागों में कम होती है ठीक देखो यहाँ पे चुंबक दिख रहा है आपको है ना तो यहाँ पे देखो एकदम घना है यहाँ पे क्या हो रहा है ये ऐसे 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 ये ऐसे 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 तो क्या पता चलता है जहां पे चुंबकीय बल रेखा एकदम क्लोज होंगी तो वहां पे चुंबकीय बल बहुत ज्यादा लगेगा और जहां पे दूर होंगी तो वहां पे चुंबकीय बल क्या है कम लगेगा तो ये सब क्या है आपको गुण लिखने हैं ठीक क्या क्या है भैया पहले बता लो बाहर दक्षिण उत्तर से दक्षिण जाएंगी अंदर दक्षिण से उत्तर आएंगी ठीक ये क्लोज सरफेस होती है बंद वक्र होती है ये एक दूसरे को कभी नहीं काटती और जहां ये पास पास होती है पे पे पास पास होंगी वहाँ पे क्या आता है चुंबकीय बल ज्यादा लगता है दूर दूर होती है है तो वहाँ पे क्या चुंबकीय बल कम लगता है इतने चीजें लिख के आपको ये बना देना है और यहाँ पे लिख देना चुंबकीय बल रेखाएं ठीक डायग्राम बनाना नहीं भूलोगे और डायरेक्शन भी बताओगे रे भैया ठीक तब आपका क्या होगा पूरा आंसर कंप्लीट होगा ठीक चलो आगे आ जाओ और क्या चुंबकीय क्षेत्र सदिश राशि है इसकी क्या है डायरेक्शन क्योंकि ये नॉर्थ से साउथ जा रही है आपको डायरेक्शन बताना पड़ता है इसलिए क्या लिखोगे चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है एक सदिश राशि होती है ठीक चलो आगे आ जाओ धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र देखो इस चैप्टर में आपको एक चीज समझ लो धारा बह रही है तो चुंबकीय क्षेत्र होगा चुंबकीय क्षेत्र है मतलब धारा बहेगी कहीं पर भी आएगा कॉन्सेप्ट यह समझ लो पहला ये देखोगे कि धारा बह रही है तो चुंबकीय क्षेत्र डेवलप हुआ उसके बाद देखोगे कि चुंबकीय क्षेत्र अगर डेवलप हो रहा है तो वहां पे बल रख रही है धारा बह रही है ठीक तो इसी के आधार पर मोटर को देखोगे और वो डायनेमो को देखोगे ठीक है तो ये चैप्टर ये दोनों को क्या है पूरे कॉन्सेप्ट क्वेश्चन आते हैं हर बार पास मार्क्स में इसको हम अगले वीडियो में देखेंगे आज पूरा कॉन्सेप्ट देखेंगे ठीक देखो ये क्या है हमारा बंद परिपथ है ठीक इसमें क्या है स्विच है बैटरी लगी है अभी इसमें कोई धारा नहीं बह रही है क्योंकि ये अभी क्या है खुला परिपथ है मतलब इसमें क्या है अभी कोई ये स्विच बंद है तो कोई धारा नहीं बह रही है ठीक अब यहाँ पे हमने एक मैग्नेटिक सुई सुई को रखा है तो ये क्या है नॉर्थ की ओर दिखा रहा है स्टेबल है अब क्या किया हमने स्विच को चालू किया तो इसमें क्या हुई धारा बह रही है धारा बही तो ये जो स्विच है ये हमारा मैग्नेटिक सुई है वो क्या होगा थोड़ा सा डिफ्लेक्शन हो गया इधर डिफ्लेक्ट हो गया इधर डिफ्लेक्ट जिधर भी हो डिफ्लेक्ट हुआ मतलब क्या विक्षेप हुआ तो इसे ये बताता है कि जब किसी परिपथ में धारा बहा धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके आसपास क्या डेवलप हो रहा है मैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा तभी तो चुंबकीय सुई होगी ना यहाँ पे अगर कुछ नहीं था तो सुई अपने जगह चुपचाप बैठी थी भाई उसको जब कोई छेड़ी गा नहीं वो ऐसी बैठी हुई थी मैं नहीं जाऊँगा मैं जाऊँगा नहीं अब आपने क्या किया करेंट दे दिया बेचारा हिल गया हिला तो क्या हुआ थोड़ा सा इधर निकल गया तो यही क्या है वो हिला क्यों अपनी जगह से ऐसे बांध के बैठा था इधर क्यों आया क्योंकि आपने उसको करंट दिया करंट दिया उसको नहीं दिया उसके बाजू वाले भाई को करंट दिया अब बाजू वाले भाई को करंट लगा तो उसने मेरे को धक्का दिया ठीक बाजू वाले भाई को करंट दोगे आप लोग मुझे धक्का लगेगा और मैं क्या होगा थोड़ा सा हिल जाऊंगी तो यही क्या होता है चुम्बकी सुई के साथ होती है ठीक आप जैसे ही धारा बहाते हैं किसी परिपथ में तो उसके आसपास क्या डेवलप होता है चुंबकीय बल चुंबकीय क्षेत्र डेवलप होता है तो वहां पे अगर चुंबकीय कोई सुई को रखोगे तो उसमें क्या होगा डिफ्लेक्शन होगा और यही डिफ्लेक्शन बताता है कि भाई आसपास क्या है चुंबकीय क्षेत्र ठीक तो यही क्या है आपके धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र डेवलप होना ठीक चलो आगे आ जाओ चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या करने के लिए दाहिने हाथ का नियम दाहिने हाथ मतलब सीधा राइट हैंड है ना दाहिने हाथ की ना किथे ना मम्मी मना ओ दे दाया हाथ किथे ना जोनी हाथ इतिहा वही है ठीक तो दाया हाथ ले लो ठीक अब ऐसे करो थम्स अप ऐसे करते हैं ना हम लोग चलो करो सब के सब करो करना भैया करो किए ठीक अब क्या है अगर तार ऐसे जा रही है ठीक ये ऐसी है ये तार है ये ऐसी जा रही है ठीक तो ये देखो ये क्या हुई मेरे साइड ये ऐसी थी ये तार ऐसी गई तो मैग्नेटिक फील्ड की लाइन कैसे जाएंगी ऐसे कैसे जाएंगी ऐसे धारा ऊपर जा रही है ठीक मैग्नेटिक फील्ड की लाइन किधर आ रही है अंदर की ओर मतलब मेरे ओर ठीक अगर ऐसे कर दूं ऐसे ठीक धारा नीचे गई ये कैसे जा रही है ऐसे मतलब आपकी ओर ठीक तो जब आपसे मेरे ओर आएगी ऐसे ऐसे तो उसको क्या कहते हैं इनवर्ड अंदर की ओर और, और ये ऐसे हो गई और ऐसे जा रही है मतलब मेरे से आपकी ओर जा रही तो वो क्या होगी बाहर आउटवर्ड ठीक तो दिशा हम लोग क्या क्या लेते हैं भाई नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट और दो दिशा होती है इनवर्ट और आउटवर्ट और एक दिशा क्या लेते हैं हम लोग ये घड़ी है ठीक तो इस घड़ी की दिशा में अगर कोई चले तो इसको क्या बोलते हैं क्लॉकवाइज और उल्टा चले ऐसे तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग एंटी क्लॉकवाइज ठीक तो ये आपको पूरे इस चैप्टर में समझना पड़ेगा क्लॉकवाइज हो रहा है तो क्या एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है क्या आउटवर्ड जा रहा है इनवर्ड आ रहा है ये चीजें समझोगे तभी चुंबकीय चीजें समझोगे हालांकि अभी प्रश्नों के लिए आपको ये चीजों पर ज्यादा नहीं जाना लेकिन ये चीजें जान के रखो इनवर्ड बोल रहे हैं तो धारा ऐसे जा रही है मेरे साइड आई मतलब क्या ऐसे घूमी हाथ अनवर्ड ऐसे कर दिए ऐसे गई ठीक धारा ऐसे जा रही है ऐसे उल्टा घूम रही है ठीक मतलब बाहर की ओर जा रही है ये क्या हुआ आउटवर्ड ठीक अगर कोई दिशा ऐसे करंट है ठीक इस पे धारा आपने यहां से बैटरी लगा के धारा ऐसे भाई ये ऐसे तो ये क्या घड़ी की दिशा में है तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग क्लॉकवाइज वही ये ले लो और ये ऐसे भी बह रही है, यहां से जा रही है यहां से तो ये क्या होगा एंटी क्लॉकवाइज ठीक तो ये चीजें आप समझ लो ठीक चलो इसको पहले रफ कर देते हैं तो चलो अब क्या है हम लोग ने हाथ का नियम पढ़ना है ठीक राइट रूल। तो देखो धारा धारावाही चालक तार में बहने वाली धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को दाहिने हाथ के नियम से आसानी से ज्ञात किया जा सकता है अगर आपको आया कि दाहिने हाथ का नियम लिखो तो आप क्या बोलोगे किसी तार, चालक में किसी तार में बहने वाली धारा के आसपास हुए डेवलप हुए चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हम ज्ञात कर सकते हैं किसे दाहिने हाथ के नियम से और ये नियम क्या कहता है यदि अंगूठे पे अंगूठे की दिशा आपके राइट हैंड के अंगूठे की दिशा धारा की दिशा दिखा रही है तो ये उंगलियों का घुमाव क्या दिखाएगा आपको चुंबकीय बल रेखाएं दिखाएगा ठीक पढ़ो कल्पना कीजिए जब आप दाहिने हाथ में धारावाही चालक की तार को इस प्रकार पकड़े हुए हैं कि आपका अंगूठा धारा की दिशा दिखाता है तो मुड़ी हुई उंगलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है देख लो ये क्या है इसने पढ़ा है तो इसका अंगूठा ऐसे ऊपर की ओर है तो ये क्या दिखा रहा है धारा की दिशा तो जो उंगलियां घूम रही है वो क्या दिखाएंगे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ठीक तो आपको यहां पर डायग्राम बना देना है भाई ऐसे अगर धारा की दिशा ऐसे ऊपर जा रही है तो आपको क्या दिखाना है भाई इतना आपको लिखना है और ये डायग्राम बना दोगे दो से तीन मार्क्स में आएगा तो आपको ये डेफिनेशन लिख के क्या करना है ये बताना है तो फिर से बोलो अगर आप अंगूठे में अंगूठे को ऊपर करते हैं तो अंगूठा आपका अगर धारा की दिशा बता रहा है तो उसके चारों ओर मुड़ी हुई उंगलियां धारा विद्युत क्षेत्र को दिखाती है विद्युत क्षेत्र की दिशा को बतलाती है यही क्या है राइट हैंड थमरोड ठीक समझ आ गया चलो आगे बढ़ो करके देख लो रुक जाओ करके देखो ऐसे करो हाथ को ऊपर किए ये आया क्या हुआ इनवर्ड मेरी ओर आ रहा है उल्टा कर दो हाथ को अब दिशा ऐसे हो गई क्या हो रहा आपकी ओर जा रहा है ठीक तो इसी तरीके से दिशा बता लोगे ठीक चलो आगे आ जाओ के दाएं हाथ का नियम आपने देख लिया अब इसके अकॉर्डिंग देखो क्या होता है ये अगर ऊपर की ओर है देखते रहना है ना ये ऊपर की ओर है तो कैसे जा रहा है इधर इनवर्ड जा रहा है, है ना ऐसे किया इधर जा रहा है मतलब ठीक अब क्लोज होगा ऐसे जा रहा है ठीक अब ऐसे ले आओ धारा ऊपर जाएगी फिर ऐसे हुई ठीक फिर क्या हुई अब ये देखो ऐसे है ऐसे जा रही है फिर ऐसे अंदर की ओर हुई ठीक अब ऐसे आ जाओ भाई ऐसे गए ऐसे गए ऐसे आ जाओ ठीक फिर क्या हो रही है फिर अंदर की ओर जा रही है ऐसे हुई अब क्या हो रही है अंदर की ओर जा रही है फिर ऐसे आ जाओ तो क्या हो रहा है जब धारा की दिशा किधर चल रही है अभी कौन सी दिशा हुई भैया ऐसे 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 जा रही है ऐसे जा रही है ऐसे ये कौन सी दिशा होती है भाई क्लॉकवाइज तो जब भी क्लॉकवाइज दिशा जाएगी तो सभी धाराएं क्या है अंदर जाएंगे अब याद करो बच्चों ये क्या था हमारा नॉर्थ पोल और साउथ इसमें क्या होता था जल्दी बताओ दो मिनट सोचो बल चुंबकीयरेखाएं कहां से निकलती है उत्तर से निकलती किधर की ओर जाती है दक्षिण की ओर जाती है ठीक तो ये बताओ दक्षिण में क्या है जाके अंदर मिलती है यहां पर क्या हो रहा है चुंबकी इधर से आ रही है चुंबकी इधर से इधर जा रही है इधर से भी अंदर आ रही है तो यहां पे सभी बल रेखाएं क्या हो रही है अंदर की ओर जा रही है तो कौन से पोल पे अंदर की ओर जाती हैं साउथ पोल पे ठीक तो इस यहाँ पे करंट की दिशा किधर चल रही है मेरे बच्चों? कैसे चल रही है? करंट ऐसा गया फिर ऐसा गया फिर ऐसा गया मतलब कौन से दिशा में जा रहा है ऐसा, ऐसा कौन सा होता है भाई? तो मैं क्या इसको साउथ पोल नहीं बोल सकती कि जब सभी रेखाएं अंदर की ओर जाती हैं तो चुंबकीय बल चुंबक में अंदर की ओर कौन से पोल पे जाती है साउथ पोल पे तो जब करंट करेंट धारा क्या क्लॉकवाइज बहेगी तो वहां पे कौन सा ध्रुव डेवलप होगा भाई साउथ पोल ठीक तो इसके जस्ट ऑपरेट अब यहां से देखो धारा ऊपर यहां से जा रही है तो इधर क्या हुआ बाहर ठीक ऐसे आ जाओ ये क्या जा रही है इस क्षेत्र से बाहर जा रही है नीचे आ जाओ ये क्या आ बाहर अब बाहर जा रही है करंट की दिशा क्या थी ऐसे थी ठीक मतलब क्या हुई उल्टा हो गया मतलब एंटी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज हुआ घड़ी की दिशा के विपरीत ठीक तो करंट क्या हो रही है जो चुंबकीय बल रेखाएं क्या हो रही है बाहर निकल रही है तो चुंबकीय बल रेखाएं बाहर कब निकलती है याद करो नॉर्थ तो ये कौन सा पोल हो गया भाई नॉर्थ तो यही चीजें आपको याद करनी है जहां पर से चुंबकीय बल रेखाएं बाहर निकलती है वो कौन सा पोल होता है नॉर्थ और जहां पर से चुंबकीय बल रेखाएं अंदर आती है वो कौन सा होता है साउथ ठीक तो जब भी धारा की दिशा धारा की दिशा क्या होगी क्लॉकवाइज होगी घड़ी की सुई की दिशा में तो वो कौन सा पोल डेवलप करेगी चुंबकीय बल साउथ पोल अब धारा की दिशा एंटी क्लॉक तो करना ठीक चलो आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई हमारा पढ़ लो किसी सीधे तारावाही धारावाही चालक तार में चारों चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को निर्धारित करने वाला नियम कौन सा है किसी धारावाही चालक में उसके चारों ओर चुंबकीय बल की रेखाएं निर्धारित करने वाला कौन सा नियम है दाएं हाथ का नियम किसी धारावाही चालक तार में चारों उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को निर्धारित करने वाला नियम फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम है ठीक ये चीजें लिखना है आगे आ जाओ सीधे चालक तार से विद्युत धारा प्रभावित होने वाले कारक ठीक सीधे चालक तार मतलब क्या है भाई एक तार ले लो तार ऐसी गई ठीक बैटरी ऐसी बनाते हैं ठीक ये क्या है कुंजी अब कुंजी चालू है तो क्या बहेगा धारा ठीक तो धारा ऐसी बह रही है करंट किधर जाएगा भैया मेरे बच्चों ऐसे है अंदर की ओर ठीक ऐसे गई ऐसे आ गई किधर जाएगा अंदर की ओर अब ऐसे आ गई फिर किधर आएगा अंदर की ओर ठीक तो यही क्या है सीधे चालक तार में विद्युत धारा की प्रवाह ठीक आगे आ जाओ ये क्या है हमारा करंट करिंग कंडक्टर कैसा है सर्कुलर ठीक है तो आपको इसमें ज्यादा नहीं पढ़ना है इसमें सिर्फ एक बार दिशा ज्ञात कर लो इससे क्वेश्चन नहीं आएंगे तो अभी ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है ठीक आपको जैसे ये करंट कैरिंग कंडक्टर है इसमें आपने क्या किया बैटरी से जोड़ दिया ठीक और क्या किया आपने स्विच ऑन किया तो क्या होगा करंट बहेगी करंट इधर से जाएगी ठीक तो देखो करंट यहां से जा रही है ऐसे गई ठीक तो ये क्या होगा ऐसे जा रही है ना तो ये क्या है ऐसे दिख रही है अंदर की ओर ठीक अब यहां पर से आई फिर क्या हुई है? अंदर की ओर तो इसमें क्या दिख रहा है ये जो करंट है वो ऐसे दिखाई दे रहे हैं ठीक एक बिंदु आता है जहां पे क्या होता है ये करंट सीधी रेखा में आने लगते हैं ठीक तो इसको आपको ज्यादा पढ़ना नहीं है तो इसमें कंफ्यूज मत हो इसमें से जितने इंपॉर्टेंट चीजें होगी मैं वो समझाते चलूंगी ठीक उसके बाद क्या आता है भाई आपको क्या पढ़ना है सोलेनॉइड ठीक इसमें से ये चीज़ें इंपॉर्टेंट क्यों है क्योंकि देखो सोलेनॉइड ऐसे है ठीक अगर यहां से विद्युत आ रही है यहां से चलो मैं यहां से देख रही हूं ठीक ऐसे देख रही हूं तो ये ऐसे ऐसे होंगे इधर से देखने पे ऐसे सर्कुलर होंगे ठीक अब ऐसे सर्कुलर है मतलब ये ऐसे ऐसे घूम रही है ऐसे ऐसे तो ये ऐसे मेरे साइड से क्या क्लॉकवाइज घूम रही है ठीक तो क्लॉकवाइज ऐसे ऐसे घूम रही है ऐसे गई ऐसे गई ऐसे आई फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे तो ऐसे ऐसे क्या क्लॉक क्लॉकवाइज घूम रही है ठीक? तो जब घूमती है, और उधर से नॉर्थ पोल तो क्या होगा तो हो तो हो करेंट इधर से अंदर जाएंगे और बाहर ऐसे क्या होगी निकलेंगे ठीक तो सोलेनोइड्स भी क्या करती है एक चुंबक का धारा, धारा प्रवाहित करेंगे तो क्या होगा वो ऐसे बहेगी ऐसे बहेगी तो क्या होगा चुंबकीय बल रेखा ऐसे जाएंगी और उधर से बाहर होकर ऐसे आएंगे फिर ऐसे जाएंगे फिर ऐसे, फिर ऐसे बाहर होके आएंगे तो अंदर क्या होती है साउथ टू नॉर्थ अंदर जाती है बाहर क्या हो जाती है नॉर्थ टू साउथ इसी को हम क्या कहते हैं विद्युत चुंबक जो क्या है विद्युत के प्रवाह होने के कारण बनते हैं ठीक तो विद्युत चुंबक कहाँ बनते हैं भाई सोलर में बनते हैं परिणालिका में बनते हैं क्यों होते हैं जब परिणालिका में हम हाँ विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसकी एक दिशा क्या हो जाती है दक्षिणी ध्रुव दूसरी दिशा क्या हो जाती है उत्तरी ध्रुव और उनके अंदर चुंबकीय बल रेखा डेवलप होती है जो आसपास क्या है विद्युत क्षेत्र विद्युत क्षेत्र के कारण चुंबकीय चुंबकीय प्रभाव प्रदर्शित करता है इतनी चीजें आपको लिखनी है तो विद्युत चुंबक के बारे में आएगा तो आपको ये डायग्राम बना के चीजें बता देनी है ठीक जैसे मैंने यही बताया था ना ये क्या होगा साउथ पोल हो गया ये नॉर्थ पोल हो गया ठीक कुंडली का वह तल जहाँ धारा की दिशा दक्षिणावर्त होती है दक्षिण ध्रुव की तरह व्यवहार करती है क्लॉकवाइज कुंडली की वह तल धारा की दिशा वामावर्थ एंटी क्लॉकवाइज होती है वह उत्तरी ध्रुव की तरह व्यवहार करती है ठीक यही चीजें क्या है विद्युत चुंबक क्या बनती है विद्युत चुंबक के बारे में आएगा तो आपको ये चीजें लिखनी होगी विद्युत चुंबक क्या हो गे? धारा के दिशा की दिशा के कारण बनती है और जो बार मैग्नेट होता है नेचुरल मैग्नेट चुंबक होता है वो क्या है वो उसके इंटर गुण होते हैं क्योंकि वो क्यों पहले से ही होते हैं ठीक है इसकी क्या है आप धारा की दिशा चेंज करके साउथ और नॉर्थ चेंज कर सकते हो लेकिन अगर बार मैग्नेट का क्या है आप साउथ और नॉर्थ चेंज नहीं कर सकते तो इसमें क्या है ये डिफरेंस होता है ठीक चलो आगे आ जाओ बच्चों इसमें क्या एक सीधा उत्तरी ध्रुव और दूसरा सीधा आइस की भांति व्यवहार करता है परिणालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं समानता सरल रेखाओं के रूप में होती है जो यह बताता है कि परिणालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र एक समान होता है ठीक प्रणालिका के भीतर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग किसी चुंबकीय पदार्थ चुंबकीयार्थ नरम लोहे प्रणालिका के भीतर रखकर चुंबक बनाने में किया जाता है इस प्रकार बने चुंबक को विद्युत चुंबक कहते हैं तो आपको विद्युत चुंबक के बारे में आएगा तो ये चीजें लिख लेना बहुत कम चांसेस है विद्युत चुंबक के बारे में आए लेकिन कई सालों से क्या हो सकता है क्वेश्चन अलग आ रहे हैं तो ये क्वेश्चन आ सकता है तो विद्युत चुंबक के बारे में समझ लो आपको क्या है सोलरलाइट का डायग्राम बना देना है ये डायग्राम बता के बता दो कि भैया यही क्या है विद्युत चुंबक है ठीक चलो आगे आ जाओ चुंबकीय क्षेत्र के कि... में किसी विद्युत धारा चालक पर बल ठीक देखो पहले हमने क्या देखा ये धार चालक धार थी इसके आसपास धारा ब... बहराने पर क्या होता आसपास चुंबकीय क्षेत्र डेवलप हो रहा था ठीक तो हम लोग कोई भी अगर चुंबकीय सुई रखते तो उसमें क्या होता था विक्षेपण होता था ये चीजें तो ये क्या बताती थी कि धारा चालक में धारा बहा रहे हैं तो आसपास क्या डेवलप हो रहा है चुंबकीय क्षेत्र ठीक अब इसका जस्ट उल्टा ले लो क्या उल्टा लेना भाई कि चुंबकीय क्षेत्र की, की वजह से आसपास क्या होगा धारा डेवलप होगा धारा डेवलप होगा मतलब क्या है उस पर बल लगेगा ठीक सिंपल सी बात है ये क्या है एक चुंबक है ठीक यहाँ पे धारा बह रही है ठीक तो जब चुंबक आएगा तो वहां पे क्या होगा एक बल लगेगा इसी को क्या कहते हैं हम लोग चुंबकीय क्षेत्र का बल ठीक देखो जैसे आप लोग पढ़ाई कर रहे हो है ना अगर आप लोग कोई ऐसे जगह पे चले गए जहां पर क्या हुआ पढ़ाई करने का माहौल है है ना लाइब्रेरी तो आपको क्या जबरदस्ती प्रेशर में आके पढ़ोगे कि भाई सब पढ़ रहे सब पढ़ रहे सब पढ़ रहे तो आप भी पढ़ोगे तो आपको क्या लगा आप लाइब्रेरी में गए वहाँ का माहौल क्या हुआ वहाँ पर का क्षेत्र क्या हुआ पढ़ाई का क्षेत्र तो आपके दिमाग को भी क्या बना प्रेशर बना कि भाई मुझे भी पढ़ना है ठीक तो उसी प्रकार क्या होता है चुंबक धारा बह रही है लेकिन चुंबक ला दे तो क्या पर क्या हो जाता है वहां पर और बल लगता है ठीक बल लगने से क्या होती कोई भी अगर चालक है या धारा है वो क्या होती है वो काम करने शुरू कर देती है ठीक चुपचाप ये धारा बह रही है ठीक यहां पे आपने ला दिया चुंबक चुंबक लाया तो क्या होगी ये जो धारा होगी वो क्या होगा धारावाही चालक क्या होगी वो घूमने लग जाएगी इधर उधर इधर उधर ठीक तो क्या चुंबकीय क्षेत्र के कारण धारावाही चालक का गति करना यह धारा हुई चालक पर बल लगना धारा बह रही है ठीक चुंबक को ला दिया तो क्या हो गया मस्त वो धारा अपनी बह रही है चुंबक और उसमें क्या है चालक ऐसे है लेकिन जैसे ही आपने चुंबक को लाए अट्रैक्शन होगा या तो डिफ्लेक्शन होगा आकर्षण होगा या तो प्रतिकर्षण होगा तो ये क्या हिलना शुरू कर देगी धारा बह रही थी आपने जैसे चुंबक को लाया बाजू में तो ये क्या होगा चालक ऐसे ऐसे हिलना शुरू कर दिया तो किसके कारण हुआ भाई धारा तो बे थी किसके कारण हुआ की क्षेत्र के कारण हुआ चुंबक के कारण हुआ तो इसी को क्या कहते हैं हम लोग चुंबकीय क्षेत्र के कारण क्या है चुंबकीय चालक पर बल ठीक इसी को किसके बनाते फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम दाएं हाथ बाय हाथ का नियम ठीक देखो हम लोग पहले क्या पढ़े थे ऊपर की ओर धारा रही है तो उसकी ये अराउंड क्या है चुंबकीय क्षेत्र अब आ जाओ ये कि कोई तीन उंगली करो ठीक तीन उंगली किया अब ये क्या है धारा बह रही है आपने वहां पे चुंबक लाया तो चुंबक की बल रेखाएं डेवलप हुई तो चुंबक की रेखाएं डेवलप हुई तो क्या होगा उस पर एक बल लगेगा और वो बल क्या होगे? इन दोनों के परपेंडिकुलर होगी ठीक तो यही क्या कहता है फ्लेमिंग के दाएं, बाएं हाथ का नियम पढ़ो भाई इस नियम अनुसार बाएं हाथ को तर्जनी मध्यमा और अंगूठा को इस प्रकार फैलाए कि ये तीनों एक दूसरे के लंबवत हो ठीक लंबवत है तब तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा मध्यमा धारा की दिशा प्रदर्शित करे तो अंगूठा क्या कराएगा चालक पर लगने वाले बल की दिशा बताएगा ठीक ऐसे ये अगर बता रहा है आपको चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और ये बता रहा है धारा की दिशा तो इन दोनों के 90 में एक निकलेगा यह क्या बताएगा बल की दिशा कि उसमें कितना बल किस दिशा में लगेगा है ना अगर चुंबकीय क्षेत्र इतना डेवलप हुआ तो बल हो सकता है इधर लगे या चुंबकीय क्षेत्र ऐसा डेवलप हुआ कि बल ऐसे लगे तो यही क्या दिखाता है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम कि अगर तर्जनी उंगली क्या दिखा रही है बोलो तर्जनी ऐसे हाथ रखो पहले चलो हाथ रखो कॉपी पेन छोड़ो हाथ रखो तर्जनी अगर आपको क्या दिखाती है विद्युत क्षेत्र की दिशा मध्यमा बताती है आपको चालक की धारा की दिशा तो अंगूठे की दिशा क्या बताएगी उस पर लगने वाले बल की दिशा ठीक फिर से बोलो तर्जनी क्या दिखाएगी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा मध्यमा क्या बताएगी धारा की दिशा तो अंगूठा क्या बताएगा भाई बल की दिशा ठेंगा ठेंगा तो ये ठेंगा क्या है भाई बल की दिशा समझ गए ठेंगा बोले तो ऐसे कर देना अगर आप किसी को पढ़ते पढ़ते ना कोई होगा ना एग्जाम दे के निकलोगे क्या कैसे ठेंगा फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम भैया पढ़ के आ रहे हो वैज्ञानिक हो मेरे बट्टे साइंस है है ना साइंस पढ़ के आते हैं साइंस सुन रहे ऐसी लफरबाजी मत करना कोई बोले कैसे या कुछ की चढ़ाई ऐसे, ऐसे कर दो ऐसे फिर ऐसे कर देना फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम चल बता और हो जाए भाई मेरे कहीं खेचनी होगी कैसे कर देगा तो ऐसी करना ठीक कुछ नहीं करना कोई पढ़ा कुछ कोई इधर उधर चलते, चलते चलते बोलेगा आपके भाई बहन लोग परेशान करते रहेंगे या कुछ करते रहेंगे ना? ऐसे कर देना फ्लेमिंग के बाएं हाथ करनी आप ले बता कह के कि किसे पगला लागेगा या पढ़ाई पढ़ाई में ज्यादा तो फिर ले ले जाते हैं थोड़ा सा खेल के आ जा तो आपको इस तरीके से चीजें खेल खेल में पढ़ो ठीक फिर से याद कर लो तर्जनी क्या बताती है चुब्बे की क्षेत्र की दिशा मध्यमा क्या बताती है धारा की दिशा तो इन दोनों के परपेंडिकुलर अंगूठा है वो क्या बताएगा उस पर लगने वाले बल की दिशा ठीक हो गया चलो आगे आ जाओ विद्युत मोटर तो विद्युत मोटर क्या भैया देखो हमने क्या बताया किसी धारा चालक जा रही है चाल, चालक में धारा बह रही है उस पे क्या आया हमने मैग्नेट लाया तो उसपे क्या लगा बल तो बल की वजह से क्या होगा ये इधर जाएगी इधर जाएगी जैसा भी होगा है ना मतलब क्या होगा ये इधर से इधर दिशा बदलेगी तो इसी सिद्धांत पर क्या करता है विद्युत मोटर काम करता है तो विद्युत मोटर क्या है भाई विद्युत मोटर एक ऐसा साधन है जिसमें विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है अब विद्युत ऊर्जा मतलब आप क्या करंट दे रहे हो तो यांत्रिक ऊर्जा में क्या है भाई वो ऐसे इस चालक में तार बह तार है कोई चालक है कोई उपकरण है उसमें धारा तो बह रही है लेकिन इसको क्या है हिलाना है मिक्सी को चलाना है मिक्सी को घुमाना है कैसे घूमेगा मिक्सी कब घूमेगा भाई जब उसमें यांत्रिक ऊर्जा यांत्रिक आएगी यांत्रिक मतलब मैकेनिकल है ना विद्युत तो आपने दे दिया मिक्सी को प्लग से लगा दिया तो उसको घूमने के लिए भी कुछ चाहिए तो घूमेगा कब कि जहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र डेवलप होगा चुंबकीय क्षेत्र डेवलप होने से क्या होगा उस पर बल लगेगा तो फिर वो क्या है गोल 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 घूमना शुरू कर देगा ठीक तो यही क्या है विद्युत मोटर का सिद्धांत है जो विद्युत ऊर्जा को किस बदलता है यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है पढ़ो डेफिनेशन विद्युत मोटर एक ऐसा साधन है जिसमें विद्युत ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है इसका उपयोग विद्युत पंखे के को मतलब फ्रिजों में कपड़ा धुलाई मशीनों में कंप्यूटरों में मिक्सी आदि में किया जाता है जब विद्युत मोटर दिस्ट धारा पर कार्य करता है इसलिए वह डीसी मोटर कहलाता है दिष्ट धारा मतलब क्या है मैं आपको आगे बताऊंगी ठीक विद्युत मोटर समझ लिए विद्युत मोटर से क्वेश्चन आता है मैं इसको अगले वीडियो में इसके पूरे क्वेश्चन सोल्व कराऊंगी डायग्राम सहित ठीक तो विद्युत मोटर ये समझ लो किस पे कार्य करता है विद्युत बल रेखाओं पे और जिस उस उसपे लगने वाले बल पे काम करता है ठीक चलो आगे आ जाओ विद्युत चुंबकीय प्रेरणा मैंने हमेशा बोलती हूँ ना प्रेरणा कहाँ से आती है दूसरों को देख के और क्या होता है स्व प्रेरणा मतलब क्या है हम एक होते हैं दूसरों को देख के प्रेरित होते हैं या हमारे अंदर से आग जलती कि मुझे ये करना है या कभी कभी होता है आपने दूसरे को देखा अच्छा वो ऐसा कर रहा है तो मैं भी वो काम करूंगा तो वो क्या होता है दूसरों से प्रेरणा लेना ठीक तो यही क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ठीक जब कोई धारावाही चालक चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो चालक पर एक बल कार्य करता है अंगूठा इस बल के कारण चालक गति करने लगता है हिलने लगा ठीक है भाई हिलने लगा जब चुंबक और कुंडली दोनों में से किसी एक को गति कराया जाता है तो परिपथ में धारा बहती है जिसे प्रेरित धारा कहते हैं इस घटना को चुंबक की प्रेरण कहते हैं ठीक अब क्या था पहले क्या था धारा बह रही थी चुंबक को लाए बल लगा अब क्या बोल रहे हैं चुंबक और कुंडली दोनों में से किसी एक को गति कराया जाए तो परिपथ में धारा बहने लगती है मतलब यहाँ पे क्या है आप कोई ऐसा एक्टिविटी करा रहे हो कि धारा डेवलप हो जाए मतलब करंट आप करंट दोगे नहीं ऐसी एक्टिविटी कराओगे कि घुमाओगे या जो भी करोगे उसे क्या धारा अपने आप बहेगी धारा अपने आप कैसे बहेगी भाई अपने आप नहीं बहेगी आपने उसको क्या प्रेरणा दी कि तू भाई चल चल एकदम मोटिवेटेड क्या होते हैं तू कर सकता है तू कर सकता है तू कर सकता है तो धारा को भी आई. अरे तू कर सकता है तू कर सकता है यही किया तो क्या हुआ वो कर सकता है कर सकता है मैं धारा बहने लगे तो यही क्या होता है प्रेरणा दूसरों को देखिए इसने प्रेरणा ली और क्या है ये धारा बहने लगी ठीक क्या जब कुंडली चुंबक और कुंडली में दोनों में से किसी एक को गति कराया जाता है तो इस घटना को विद्युत नियम ठीक है, धारा कहते है। के का पहला राइट हैंड का नियम फ्लेमिंग के राइट हैंड का नियम वो सिर्फ राइट हैंड का नियम आएगा ठीक फ्लेमिंग के राइट हैंड का नियम लेफ्ट का नियम बल रेखा धारा और ये क्या थी बल पर लगने वाले बल अब क्या थी अब फ्लेमिंग के राइट हैंड का नियम देख लो भाई चुंबकीय क्षेत्र प्रेरित धारा तो गति की दिशा ठीक आपने चुंबक लगाया वहां पे क्या है चुंबक के कारण क्या हुआ चुंबकीय क्षेत्र डेवलप हुआ तो वहां पे धारा हुई तो क्या है उसके कारण गति की हो रही तो ये क्या बताती है चुंबकीय विद्युत चुंबकीय प्रेरणा ठीक तो ये क्या है तीन फिर ठेंगा आ गए मध्यमा अब तर्जनी क्या बता रही है बल की रेखा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये क्या बताई प्रेरित धारा वहां पे क्या थी धारा थी अब यह है प्रेरित धारा तो ऊपर वाली क्या बताएगी गति की दिशा ठीक चलो पढ़ लो इसको इस नियम के अनुसार दाहिने हाथ के अंगूठा तर्जनी और मध्यमा को इस तरह फैलाए बनाए अच्छी बात आपने दाहिने हाथ को इस तरह संयोजित करे कि अंगूठा चालक के गति की दिशा चालक इधर मूव हो रहा है मध्यम तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करे तो मध्यमा प्रेरित धारा की दिशा को व्यक्त करेगा ठीक इसमें ये दोनों डिफाइन है तो ये क्या बता रहा है प्रेरित धारा की दिशा क्योंकि इन दोनों के कारण क्या धारा हो रहा है लगा था अंगूठा थी थी? की ओर तो ठीक यहाँ पे आ जाओ यहाँ पे क्या है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ये बता रहा है कि चालक गति किधर कर रहा है चालक की गति करने के कारण हो रहे हैं विद्युत धारा प्रेरित विद्युत धारा क्या हो रही है बहरी है तो इसी को क्या करें इन दोनों के कारण प्रेरणा से बहरी तो ये क्या है प्रेरित धारा ठीक दोनों ठेंगा क्लियर है क्लियर है कि नहीं विद्युत क्षेत्र धारा इन दोनों के कारण बल लगा लेफ्ट हैं, राइट हैंड चुंबकीय क्षेत्र गति गति कराए इन दोनों के कारण हुआ प्रेरित धारा निकली ठीक ठेंगा ठीक चलो भैया आगे बढ़ते हैं डायनेमो का विद्युत जनित वो क्या था विद्युत मोटर क्या था इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यांत्रिक एनर्जी में परिवर्तित करता था अब डायनेमो क्या करेगा डायनेमो कैसा उपकरण है जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है मतलब हम क्या मशीन को घुमाएंगे तो विद्युत उत्पन्न होगा यही क्या है हमने क्या किया विद्युत क्षेत्र बल चुंबक क्षेत्र लगाया गति कराया तो क्या डेवलप हुआ धारा डेवलप हुई ठीक यह विद्युत चुम्बे की प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है इस सिद्धांत का उपयोग घरों और उद्योगों के लिए अत्यधिक परिमाण की विद्युत धारा उत्पादन के लिए किया जाता है हम लोग लग जनरेटर लगाते हैं ना कभी कभी होता है लाइट लग जा शादी वादी में देखना जनरेटर लगता है तो जनरेटर क्या है उसको जनरेटर को घुमाया जाता है इतना घुमाया जाता है कि वहां पर धारा बहने लगती है ठीक तो वही क्या है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना ठीक ये भी क्वेश्चन आते हैं इसको अगले वीडियो में क्या है हम पूरा डील करेंगे ठीक अब आ जाओ प्रत्यावर्ती धारा प्रत्यावर्ती वह धारा है जो किसी विद्युत परिपथ में अपनी दिशा बदलती रहती है ठीक ये हो गई ये धारा की दिशा तो यह क्या है अप्स एंड डाउन होती है यह क्या है सिर्फ विद्युत 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 का प्रभाव बताती है ठीक दिष्ट धारा क्या है दिष्ट धारा वह धारा जो सदैव एक ही दिशा में बहती है मतलब ये ऐसे बेहतर रहेगी ये दिशा नहीं बदलती तो ये उष्मीय प्रभाव तापीय प्रभाव चुंबकीय प्रभाव यह सब दिखाती है ठीक तो ये बच्चों पूरा आपने चुम्बकी वाला का कॉन्सेप्ट समझ लिया इससे आप क्वेश्चन क्या आते हैं चुम्बकी पर रेखाओं को बना के बताओ एक पांच मार्क्स का क्वेश्चन आता है विद्युत मोटर और डायनोमो ये तीन क्वेश्चन है जो पांच मार्क्स के क्वेश्चन में आते हैं तो इसको हम अगले वीडियो में डील करेंगे तब तक आपका फिर पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा आई होप ये चीजें अच्छे से समझ आई होगी नहीं आई होगी दोबारा देखो दोबारा देखोगे तब जाके विद्युत मोटर समझ आएगा ठीक राइट हैंड लेफ्ट हैंड सब करके देख लो नहीं आता तो फिर से पूछना मैं फिर से बताऊँ ठीक टेंशन नहीं लेना हो जाएगा और ये बहुत ईजी टॉपिक है सिर्फ इसमें दो से तीन क्वेश्चन आते हैं चुंबक के गुण विद्युत बल रेखाओं के गुण विद्युत मोटर डायनेमो बस ये चैप्टर खत्म है इतनी चीज़ें समझाई समझाइं इतना सारा बोली हूँ पढ़ ले लो ठीक है बुक को जाके एक बार पलटा लेना नहीं पलटाओगे तो ये इतनी चीज़ें बताई बताइए डेफिनेशन जो जो बताई थी उसको कर लेना पूरी चीज़ें हो जाएंगे ठीक तो बच्चों हम अगले वीडियो में मिलते हैं उसके अंदर पूरा चैप्टर खत्म करेंगे फिर क्या है हम एग्जाम के टॉपिक्स एंड टिप्स पे जाएंगे मतलब क्या है पेपर कैसे लिखना चाहिए मैं उस पर बताऊंगा ठीक चलो बेस्ट ऑफ लक अपनी तैयारी इस तरह करते रहो